आज के समय मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, मैं इतने गरीब परिवार से हूं। आजकल लोग अंदाजा लगाते हैं अरस शिकारा 1 किलो का कड़ा पहनता है, अरस शिकारा अच्छी वॉच पहनता है, अरस शिकारा अच्छे जूते पहनता है, उसके पीछे की गरीबी किसी को नहीं दिखती। इतने दिन जो मेहनत की वो किसी को नजर नहीं आती। सैकड़ों से ज्यादा आंदोलन कर चुका हूं अकेले, 2019 में 57 आंदोलन किए हैं। जो मेरी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, इज्जत को तार तार करते हैं ना, जो बलात्कारी होते हैं, जो पॉक्सो कानून पास हुआ है कि 14 साल से कम उम्र की बच्ची या बेटी के साथ अगर दरिंदगी हो तो सीधी फांसी हो, उसके लिए अरस शिकारा ने अकेले ने 7 आंदोलन किए हैं। परमात्मा की दया से आज तक शरीर में कोई चोट नहीं लगी। अगर कोई चोट लगी है ना सिर्फ आंदोलनों में, और एक जगह से हाथ पैर कटे फटे टूटे हुए सिर्फ पुलिस वालों की लाठियों से और आंदोलन करते हुए चोटें लगी हैं। और आज भी कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे भाई जो मंद बुद्धि होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, जो भेड़ चाल चलते हैं, वे अपने घर सोशल मीडिया पे बैठ के एक बात कहते हैं, अरस शिकारा चोर है। लेकिन आज जो मेरा बाप, मेरा पिता, जिसकी मानसिक हालत सब कुछ ठीक है, जो मेरे साथ रहता है, मेरा बाप सुबह उठते ही जब घर से बाहर निकलता, उसको 20 आदमी राम राम करते ना, अरस शिकारा का पिता जा रहा, मेरा बाप एक बात कहता है, मेरा बेटा बब्बर शेर है। पैसा किसी के पास भी आ सकता, कहीं से भी आ सकता, कभी भी आ सकता है। मेरे साथियों, इज्जत नहीं आती। जो आप कमाने लग रहे हो ना, और जो कमाओगे वो इज्जत है, जो अनमोल होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। आने वाले समय के आप लोग स्टार हो, अपनी इज्जत तार तार मत होने देना साथियों। उंगलियां उठाने वाले ऐसे ही रह जाएंगे। ये मैंने मेरे जीवन की सच्चाई बताई है। मैं अपने जीवन की जो सच्चाई वो इसलिए बता रहा हूं, मेरे मन में भी बार बार एक ख्याल आए, मैं मर जाऊं, मेरा क्या जीवन है। 2016 में ही मेरी शादी हुई है। जिस वक्त मेरी शादी हुई, 64.5 लाख रुपए का मेरा कर्जा था। जिस वक्त शादी हुई, मेरा भाईचारा बहुत बड़ा है और मेरा भाईचारा पागल भी है, मेरे को मांगने से ही पैसे दे देता है। मेरा भाईचारा ही है जिसने कड़ा दिलवा रखा, घड़ी दिलवा रखी, कपड़े दिलवा रखे, सब कुछ। सच बताऊं तो 1 इंच जमीन भी नहीं है मेरे पास, ये मेरी रियलिटी है। अभी अभी मैंने 80 गौशाला में जो टूटी फूटी गऊ माताएं होती है ना, जिनका कोई इलाज नहीं करता, जो रोडों पर घूमती है, आवारा गऊ बोलते हैं जिनको, उन गऊ माताओं के लिए 30 लाख रुपए का मोल किला जमीन दान दी है लेके। लोग सोच रहे हैं सब दिखावे के लिए कर रहे हैं, दिखावा है ये। मैं सभी साथियों को एक बात कहता हूं, ये दिखावा करके तो देखो साथियों, ये दिखावा करके देखो। कैया के नाम होते हैं ता बदनाम होते हैं, कई बदनाम होते हैं ता नाम होते हैं। आप सब का और हमारा नाम हुआ तो हम बदनाम हुए हैं। लोग ऐसे ही लगे रहेंगे, ऐसे ही चलते रहो, मंजिल बहुत नजदीक है। 0 से आप 10 पर आ चुके हो, अब 100 की स्पीड पर चलना आप लोगों के हाथ में है। भगत सिंह जिस समय जेल में था ना, उसके दिल दिमाग में एक चीज का दुख था, सांडरस मारने का। आजादी कभी भी खून खराबे गोली से नहीं आई, कलम से आई है। भगत सिंह ने जो जेल में बैठ के जो बातें लिखी हैं, जो अपने दिल दिमाग को खोल के लोगों को अपने विचार दिखाए हैं, आजादी उन चीजों से आई है। जो क्रांति आती है वो आप लोगों की कलमों से आती है। अपनी कलम को मत बिकने देना, अपनी कलम को मत टूटने देना।